आतिशबाजी का बाजार दिवाली का त्यौहार आते ही सज गया। बच्चों में आतिशबाजी खरीदने के लिए खासा उत्साह देखने को मिला। पटाखा दुकानदार योगिन चौधरी ने बताया, पिछले साल दिवाली पर कोरोना काल में पटाखा व्यवसायियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन इस साल ग्राहक व बच्चे आतिशबाजी खरीदने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं। तेजस खबर से बातचीत में योगेंद्र चौधरी ने बताया, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष दिवाली पर आतिशबाजी के दामों में 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई। ग्राहकों को लैला मजनू, मेहताब, अनार बम, आसमानी बम ज्यादा पसंद आ रहे हैं। योगेंद्र जी, इस पिछले साल की अपेक्षा इस बार पटाखों की बिक्री में क्या है अंतर? पिछली बार टाइम गलत था, कोरोना का मारा हुआ आदमी इतनी पब्लिक कम आई थी, आतिशबाजी भी कम खरीदारी हुई थी। अब यह थोड़ी पब्लिक में थोड़ा सा दिख रहा है और देखो शाम तक क्या होता है, हल्का पब्लिक बढ़ी आ रही है। अच्छा, ग्राहकों में उत्साह दिख रहा है इस पर? हाँ, इस साल उत्साह है थोड़ा। डीजल आदमी आतिशबाजी चला नहीं पाया था ना, माहौल थोड़ा बेहतर था, इस साल थोड़ा उत्सव है, ग्राहक लेने के भी आ रहा है। कोविड के चलते नुकसान काफ़ी अच्छी हुआ, अरे पिछली बार काफ़ी नुकसान हुआ था। इधर लोगों जो माल लेके आए थे लोग, तो आधे ज़्यादा माल लोग वापस लेके गए इसमें, खर्चा होती है यहाँ पर, हर चीज़ का खर्चा होता है। लेकिन ये इस साल शायद पिछले साल के ऊपर वाला चाहे तो पिछले साल कष्ट इस साल दूर हो जाएंगे लोगों के। अच्छा, इस साल पटाखों में दामों में क्या कमी है या फिर बढ़ोतरी? दाम तो पिछले साल से क्या था, जो पिछले साल का रेट था उससे लगभग 1.5 गुना आइटम बढ़ गया है। आइटम जो पिछले साल थे उससे 1.5 गुना आइटम रेट यहाँ पर इस साल बढ़ के मिला है लोगों को। अब जब बढ़ के मिला है तो लोग बढ़ के ही बेचेंगे, लेकिन कुछ ग्राहकों की संतुष्टि ये है कि ग्राहक अभी बार लेने के लिए तत्पर ले रहा है। रिपोर्ट, तेजस खबर।